हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ सेल। और साथ ही साथ इसी में पढ़ाऊंगा मैक्सिमम पावर थ्योरम। दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। एक साल पहले ही मैक्सिमम पावर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो हम स्टूडेंट से यही कहूंगा कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों पार्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह पार्ट ग्रुपिंग ऑफ सेल न्यूमेरिकल की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैक्सिमम पावर थ्योरम थ्योरी की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे यह टॉपिक ख़त्म होगा तो हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल सेशन। न्यूमेरिकल सेशन क्योंकि न्यूमेरिकल सेशन हम प्रायः लास्ट में करवाते हैं, इससे यह सुविधा होता है कि जो भी थ्योरी का इस्तेमाल होता है उस थ्योरी को आसानी से हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि आपसे क्वेश्चन बने। हमसे तो हर क्वेश्चन बन जाएगा, फिजिक्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे नहीं बन सकता है। ठीक है ना, लेकिन समस्या हमसे नहीं है, समस्या आपसे है। हमारा पूरा मकसद होता है कि न्यूमेरिकल आपसे बने। तो न्यूमेरिकल तभी बन सकता है जब हमारे पास फुल थ्योरी होगा, थ्योरी में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, थ्योरी काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, और साथ ही साथ हमें रीजनिंग पावर होगा क्वेश्चन को पढ़ने समझने और फार्मूला को उपयोग करने की क्षमता होगा, तब जाके न्यूमेरिकल खुद से बनता है। अगर हमारा थ्योरी मजबूत है तो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हो या हाई लेवल का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को हम आसानी से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है थ्योरी को अच्छी तरीके से कमांड हासिल करना। ठीक है ना, तो जैसे यह टॉपिक खत्म होगा तो हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल सेशन, जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करके एडवांस क्वेश्चन जितना भी हो सकता है आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। मैक्सिमम कह सकता हूँ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या मैक्सिमम पावर थ्योरम, दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपने लेक्चर्स को शुरुआत करते हैं। क्या होता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स? सेल का समूह तथा महत्तम शक्ति प्रमेय। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से याद होगा, हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल सर्किट, और हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी होता है। देखिए तो रेजिस्टेंस की संख्या भी एक है और बैटरी की संख्या भी एक है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सर्किट का, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर प्रतिरोध की संख्या भी एक से ज्यादा होगा और बैटरी की संख्या भी एक से ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करें एक सर्किट का, जरा देखिए तो यहां पर प्रतिरोध की संख्या हमने एक से ज्यादा लिया है और बैटरी की संख्या भी हम एक से ज्यादा ले रहे हैं। लीजिए, बैटरी की संख्या भी एक से ज्यादा है और प्रतिरोध की संख्या भी एक से ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स अगर प्रतिरोध की संख्या एक से ज्यादा है तो हम इसे दो तरीकों से आपस में कंबाइन कर सकते हैं। उसमें एक तरीका है सीरीज और दूसरा तरीका है पैरेलल। और हमने कहा था कि सीरीज के अंदर R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 होता है, और पैरेलल के अंदर R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/R1 + 1/R2। इसे कहते एक फॉर्मूला का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी रजिस्टर को सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन जरा इसे तो गौर से देखें, यहाँ बैटरी को भी सेल या आपका सेल्स है, सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगर हमें सर्किट में
एक से ज्यादा बैटरी की आवश्यकता पड़ती है तो हम बैटरी को या तो सीरीज में जोड़ते हैं या तो पैरेलल में जोड़ते हैं, अंडरस्टैंड है। तो हम यहाँ पर यह हमारा सेल है तो सेल का भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और सेल का भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसका जो रिजल्ट आएगा थोड़ा अलग रिजल्ट आएगा, अंडरस्टैंड है। तो हमारा टॉपिक क्या पढ़ना है एक कंफर्म हो गया। हम प्रतिरोध के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे बैटरी या सेल के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक से ज़्यादा बैटरी है और हमें इक्विवेलेंट सेल निकालना है तो हम किस किस फार्मूले का उपयोग करेंगे और वो फार्मूला कहाँ से आया है, उसका प्रूफ क्या है, उसका डेरिवेशंस क्या है, इन सारे चीज़ों को आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए ना शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आ गया हमें कि हमें सेल्स को भी दो तरह का कॉम्बिनेशन देखते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी का श्रेणी संयोजन। चलिए अब हम इसका डेरिवेशंस कर लेते हैं, आसान है, सो सिंपल। आप बिल्कुल बी पॉजिटिव, नम बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ बैठें और समझने की कोशिश करें। और जब भी न्यूमेरिकल बनाने की बारी आए तो बिना रुके, आई प्रोमिस दैट, बिना रुके आपसे हर क्वेश्चन होगा। अगर किसी से बच्चे से न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो इसे साफ पता चलता है कि उसका थ्योरी किसी न किसी मोड़ पर कमजोर है। फिजिक्स का आधार उसका थ्योरी होता है, थ्योरी मजबूत न्यूमेरिकल बनेगा, अगर थ्योरी मजबूत नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। हमारे न्यूमेरिकल बनने या ना बनने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, बदलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको बनने या ना बनने से। तो इसके कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, सबसे पहला थ्योरी होता है और उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स होता है, तो थ्योरी को मजबूत से पढ़िए। चलिए जरा देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी का श्रेणी संयोजन। तो स्टूडेंट्स जरा देखना, तो हमारे पास सेल हैं, लोग एक सेल्स हैं और सेल्स के अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है और आंतरिक प्रतिरोध को दिखाने के लिए हमने R1 का उपयोग किया और हर बैटरी का EMF होता है, इसे दिखाने के लिए हमने E1 का उपयोग किया। ये बैटरी नंबर 1 है, पढ़ा चुका हूँ, हर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध को हमने R1 से दिखाया और हर सेल का EMF होता है, उसके EMF को हमने E1 से दिखाया। इसी प्रकार हमारे पास एक दूसरा सेल है, लीजिए दूसरा सेल है, इसका EMF E2 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। सिमिलरली तीसरा सेल भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है और इसी तरीके से N सेल हो सकते हैं, अंडरस्टैंड है। तो चलिए अब कहा जाए कि इन दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट करो, तो आपसे कहा था मुन्ना कि यह सेल का प्लस है और इस सेल का माइनस है, सेल का प्लस है और इस सेल का माइनस है, तो सीरीज में तभी जुड़ेगा जब एक सेल का माइनस दूसरे सेल के प्लस के साथ अगर अटैच कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशंस होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशंस होता है। तो जरा देखिए, तो हमारे पास एक सेल है, इसका माइनस हमने क्या किया, दूसरे सेल की या इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका EMF E1 है, दूसरे सेल के प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया, लीजिए इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है और इसका EMF E2 है। चलिए ना, अब यह और यह जो कॉम्बिनेशन हो गया वो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हमारे पास और सेल होता तो हम इसको यहाँ पर अटैच करते, ध्यान रखते हुए कि एक का जो माइनस है दूसरे के प्लस के साथ ही अटैच होना चाहिए, यानी दो विपरीत पोल जब एक साथ जोड़ा जाता है तब जाके सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। अब आइए, हमने सेल तैयार कर लिया, अब यह क्या होगा बच्चा, अब यह एक
बाह्य प्रतिरोध है जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हमने आर से दिखाया। यह यहां से लेके यहां का जो हिस्सा है वो बैटरी का है, और यह जो हिस्सा है वो एक्सटर्नल लोड का है, एक्सटर्नल प्रतिरोध का है। ठीक है, अब जरा देखिए तो यह सेल और यह सेल सीरीज में कनेक्ट है, तो हमारा एक ही मकसद है स्टूडेंट्स, हमारा केवल एक मकसद है कि इन दोनों सेल्स को हटा करके एक सेल लगाया जाए, इन दोनों सेल्स को हटा करके, इन दोनों बैटरी को हटा करके हमको एक बैटरी लगाना है। तो इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला होगा वो इस तरह का होगा, जरा देखिए तो ई इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा ई वन और प्लस ई टू, और अभी बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका भी इक्विवेलेंट निकालना होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध सीरीज में है, तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, जरा देखिए तुम, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आर वन और प्लस आर टू। दोनों सेल को हटा करके हमने एक सेल लगा दिया, इसका जो ई इक्विवेलेंट आएगा, समतुल वोल्टेज आएगा, वो ई वन प्लस ई टू आ जाएगा। अब इन दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा करके आर इक्विवेलेंट लगा दिया, और आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस क्या हो गया, आर टू। अब हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अब वह इस प्रकार है, देखिए यह आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। स्टूडेंट्स क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, मकसद था सीरीज कॉम्बिनेशन वाले बैटरी को हटा करके केवल एक बैटरी लगाना। तो बैटरी के अंदर दो चीज को डील किया जाता है, पहला डील होता है ईएमएफ, ईएमएफ, और दूसरा को डील किया जाता है उसके अंदर का आंतरिक प्रतिरोध। तो उसके अंदर का आंतरिक प्रतिरोध आर इक्यू बराबर आर वन प्लस आर टू। तो अब मेरे पास सवाल आता है कि सर ये फॉर्मूला और ये रिजल्ट आया कहां से, इसे साबित करें। तो स्टूडेंट्स अब हम EQ बराबर E1 प्लस E2 और REQ बराबर R1 प्लस R2 अब हम साबित करने जा रहे हैं, इसे ध्यान से जरूर देखिएगा स्टूडेंट, और आपको केवल रिजल्ट याद रखना है, साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल रिजल्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास सेल है और सीरीज में है तो EQ बराबर E1 प्लस E2 और REQ बराबर R1 प्लस R2। ठीक है ना, चलो अब हम इसे साबित कर देते हैं कि यह रिजल्ट आया है तो कैसे आया है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना कि यह रिजल्ट आया है तो कैसे आया है। हमारे पास दो सेल हैं, यह इसका आंतरिक प्रतिरोध है, एक सेल और है और यह इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है और E2 है, और इसे हमने बाय रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है, इसका रेजिस्टेंस आर है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा जैसे सेल्स जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाता है, लीजिए विद्युत धारा आई बहना शुरू कर दिया। अब यह करंट इससे गुजरेगा, अब यह करंट आगे बढ़ेगा, अब यह करंट इससे गुजरेगा, अब यह करंट इससे गुजरेगा, मतलब कि सेम करंट इस परिपथ में घूमना शुरू कर देगा। करंट आई इससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा, इसी तरह से यह करंट क्या करेगा, इस पथ पर घूमना शुरू कर देगा। तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा किरचॉफ्स का लूप लॉ, हमने समझाया था किरचॉफ्स का लूप लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स है, किरचॉफ्स लूप लॉ। अगर आपने किरचॉफ्स लूप लॉ को याद करो तो हमने कहा था कि एक लूप के अंदर जितना भी वोल्टेज होता है सबका योग शून्य के बराबर होता है, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो हमने कहा था चलो वोल्टेज निकालते हैं, इसका वोल्टेज आई इंटू आर साइन
प्लस इसका वोल्टेज आई इंटू आर टू साइन प्लस इसका वोल्टेज माइनस ई टू। क्यों माइनस, इसे एक्सप्लेन कर रखा हूं, इसे जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब इसको इसका वोल्टेज तो आई इंटू आर वन, इसका वोल्टेज माइनस ई वन बराबर जीरो। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। आइए क्या देखना, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को इधर कर देते हैं, तो आई आर प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू बराबर ई वन प्लस ई टू। एक काम कर ले, आई कॉमन निकाल ले, हमारे पास आर प्लस आर वन प्लस आर टू बराबर ई वन और प्लस ई टू। स्टूडेंट्स अगर आप यहां से आई का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास ई वन प्लस ई टू और बटा आर प्लस आर वन प्लस आर टू। शायद स्टूडेंट आपको याद होगा कि अगर हम कंप्लेक्स सर्किट की बात करें तो कंप्लेक्स सर्किट के अंदर भी बराबर होता है आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर हम यहां से आई का मान निकालें तो आई बराबर भी इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट। स्टूडेंट यहां वोल्टेज को हम ई से दिखाए हैं तो हम यहां पर क्या आई बराबर ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट और बटा क्या है आर इक्विवेलेंट। क्योंकि कंप्लेक्स सर्किट में हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, कंप्लेक्स सर्किट में हम आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं। क्योंकि जिस सर्किट में एक से ज्यादा प्रतिरोध होता है तो वहां पर हम केवल एक प्रतिरोध की बात नहीं करेंगे, वहां पर हम आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे। और जिस सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी होता है तो हम केवल एक बैटरी की वोल्टेज की बात नहीं करेंगे, हम वहां पर भी इक्विवेलेंट की बात करेंगे। तो इसका मतलब है किसी भी कंप्लेक्स सर्किट में, किसी भी कंप्लेक्स सर्किट का जो फॉर्मूला होता है आई बराबर ई इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट। तो आइए यहां हम लिख देते हैं आई बराबर ई इक्विवेलेंट और बटा आर इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट्स इसका और इसका कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, आई बराबर इतना और आई बराबर इतना। देखो तो जो अपर हिस्सा है वो इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है ई इक्विवेलेंट बराबर ई वन प्लस ई टू। अब जो लोअर हिस्सा है, लोअर हिस्सा को बड़ा गौर से देखो, आर इक्यू बराबर हो जाएगा, जब देखा तो आर इक्यू बराबर इतना हो जाएगा। लेकिन तो हमें तो केवल सेल्स के बारे में देखना है, हमें केवल सेल्स के प्रतिरोध का ध्यान रखना है। तो सेल्स का प्रतिरोध आर वन है और आर टू है, तो हम यहां से वही हिस्सा बाहर करेंगे जो सेल्स का प्रतिरोध है। तो इसका मतलब है आर इक्यू बराबर आर वन आर प्लस क्या हो गया आर टू। हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया कि अगर कोई प्रतिरोध एक से ज्यादा है, बैटरी भी एक से ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इक्विवेलेंट सेल निकालते हैं। और जब इक्विवेलेंट सेल निकाले जाते हैं तो इसके अंदर इंटरनल प्रतिरोध होता है, उसको हम आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू और ई इक्विवेलेंट बराबर ई वन प्लस ए टू। इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और हम मुझे आप क्या करें, इसका केवल रिजल्ट याद रखें। और ये कैसे प्रूफ किया गया, बहुत सिंपल तरीका था कि यह एक लूप है, किरचॉफ्स का नियम लगा दीजिए। किरचॉफ्स का नियम कहता है सभी वोल्टेजों का योग शून्य होता है, तो आप सारे का वोल्टेज निकाल लीजिए तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो किसी भी कंप्लेक्स सर्किट का आई बराबर होता है ई इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट होता है, तो ई इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्यू इसके बराबर हो जाएगा और आर इक्यू इसके बराबर हो जाएगा। हम तो केवल आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध में इसको तो ध्यान रखेंगे नहीं, हम केवल इसका ध्यान रखेंगे। तो आर इक्यू बराबर आर वन प्लस क्या आ गया आर टू आ गया, ठीक है ना। तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक या दो
केवल न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करता हूं जो आसानी से आप बना सकते हो। अंडरस्टैंड है, जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दे। अगर हम रियल न्यूमेरिकल की बात करें तो थ्योरी हो गया, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें तो हम कैसे समझाएंगे, जरा देखिएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लीजिए इसका प्रतिरोध मान लेता हूं R है, और हमारे पास एक सेल दो सेल है, इसका प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध है, ये जो हिस्सा है ना उस बैटरी के अंदर का हिस्सा है, केवल बैटरी के बारे में सोचिए, ये इंटरनल प्रतिरोध है। इसके ईएमएफ को अगर हमारे 10 वोल्ट का है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है वो 1 ओम का है, ए इसका जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट का है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 है वो 2 ओम का है। ये पूरा का पूरा हिस्सा बाहर का नहीं है, वो किसी बैटरी के अंदर का हिस्सा है, ठीक है ना। तो आपसे कहा जाए कि दोनों सेल को हटाना है, अब दोनों सेल को हटा के केवल एक सेल लगाना है, तो EEQ बराबर E1 प्लस E2, इसका मतलब है 10 प्लस 20 बराबर 30 वोल्ट, ये तो EMF का हो गया। और बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है तो REQ बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो हमारे पास 1 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो हमारा जो सेल तैयार होगा वो इस तरह तैयार होगा, या जो होगा EEQ बराबर 30 वोल्ट का हो जाएगा और यह REQ बराबर 3 ओम का हो जाएगा। और अब क्या करें, इन दोनों सेल को हटा दें और इन दोनों को हटा के केवल एक सेल लगा दें, तो ऊपर का जो प्रतिरोध है वो R रह जाएगा और नीचे का जो बैटरी है वो इस तरह हो जाएगा, ये इसका वोल्टेज 30 वोल्ट हो जाएगा और इसका जो प्रतिरोध है वो 3 ओम हो जाएगा। इस तरह दोनों सेल्स को हमने हटा दिया और दोनों सेल्स को हटा के केवल एक सेल से लगा दिया। अब जो मेरा सर्किट है, अब यह सिंपल सर्किट बन गया है, दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल सर्किट। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने रिड्यूस कर दिया है सिंपल सर्किट में, अब इसे सोल्व करना हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी सर्किट में अगर एक से ज्यादा प्रतिरोध, एक से ज्यादा सेल्स हैं और सारे सेल्स अगर सीरीज में है तो इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उसे इक्विवेलेंट सेल में कन्वर्ट कर लें और इसे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लें। अभी हमारे पास इस तरह का सर्किट तैयार हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए जरा देखिएगा, कैलकुलेशंस ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ करंट, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना। स्टूडेंट्स अब तक हमने जितना भी न्यूमेरिकल किया था उसमें केवल और केवल एक सेल था, लेकिन प्रतिरोध की संख्या एक से ज्यादा था, तो ऐसे सिचुएशन में हम आसानी से विद्युत धारा कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन हमारे पास सेल्स की संख्या भी क्या है, एक से ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको करंट निकालना है तो करंट आई बराबर हो जाएगा ईक्यू अब बटा आर इक्यू, आई बराबर हो जाएगा ई इक्यू अब बटा आर इक्यू। कहीं भी अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना तो ई बटा आर नहीं बोले, ये ई बटा जो आर है ना वो सिंपल सर्किट का फॉर्मूला है, क्योंकि वहां पर एक ही बैटरी और एक ही प्रतिरोध होता है,
लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा बैटरी है और एक से ज्यादा प्रतिरोध है, तो ऐसे सिचुएशन में आप फॉर्मूला बोले EEQ बटा REQ, ठीक है ना। जरा देखते हैं, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स जरा देखना, तो हमारे पास एक सर्किट है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है और हमारे पास एक सेल है, लीजिए, लीजिए, यह है 2 वोल्ट का, 1 ओम का, 4 वोल्ट का, 2 ओम का, 6 वोल्ट का और 3 ओम का, और आपसे कहे करंट ज्ञात कीजिए, I ज्ञात कीजिए, करंट ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स दैट इज ए कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर हमें करंट ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो I बराबर हम EEQ बटा REQ का इस्तेमाल करेंगे। चलो तो सबसे पहले जरा देखिए, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा सेल्स का है, बैटरी का है, ये पूरा का पूरा हिस्सा बैटरी का है, ये EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे सेल्स को हटा देना है और एक सेल लगाना है, तो तीनों सेल्स सीरीज के अंदर है, तो EEQ बराबर जब देखिए तो यहां पर, तो EEQ बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, तो EEQ बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6, तो 6 × 4 = 10, दो कितना हो गया 12 वोल्ट, ये तो हो गया EMF। इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध है, तो REQ बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो REQ बराबर 3 × 5 = 6 ओम। अब क्या हमारा नियम कहता है कि सारे सेल्स को हटा करके, ये हमारा 4 ओम का प्रतिरोध है, सारे सेल्स को हटा करके हमें केवल एक सेल लगाना है और सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा करके केवल हमको एक लगाना है, तो यह हो गया आपका ए हो गया आपका 12 वोल्ट का और यह आपका हो गया 6 ओम का और यह आपका कितना हो गया 4 ओम का। तो स्टूडेंट्स आप बताइए इस सर्किट को बड़ा ध्यान से देखिए, तो इस सर्किट के अंदर एक बैटरी है और प्रतिरोध कितना है 1 और 2, और यह प्रतिरोध सीरीज में है, तो अभी भी इस सर्किट को और छोटा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको छोटा करेंगे, जब देखिए तो यह और यह सीरीज में है, तो सीरीज में होने की वजह से एक काम कर लेते हैं, सीरीज में होने की वजह से मेरे पास जगह नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर हम कर लेता हूं, तो सीरीज में होने की वजह से तो REQ बराबर 4 और प्लस 6 बराबर 10 ओम। अब हमारे पास जो सर्किट तैयार हो रहा है वो इस तरह तैयार हो रहा है, ये 10 ओम है और बटा ये कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर करंट निकाल लीजिए, तो I बराबर EEQ बटा REQ, तो EEQ 12 और REQ 10, ठीक है ना। जब आप इसे भागा देंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, अगर आपसे नहीं बनता है तो हम इसे नेक्स्ट टाइम पर जरूर डिस्कशन करूंगा स्टूडेंट्स। तो एक क्या नहीं, आप एक ट्राई करें, एक कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, क्योंकि खुद से कोशिश किया हुआ चीज इसी से पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। चलिए ना, एक क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं, इसे ना आप हल्का मानिए ना इसे टफ मानिए, ये केवल थ्योरी चल रही है, तो थ्योरी को समझाने के लिए हम चाहे न्यूमेरिकल का सहारा लेते हैं या
लिखे हुए स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं। तो हमने स्टेटमेंट तो बता दिया है, अब कोशिश कर रहा हूँ कि दो चार न्यूमेरिकल को आपसे करवा करके थ्योरी को कवर करा दिया जाए, ठीक है ना। बाकी आगे चल करके हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल जरूर कर लेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। क्वेश्चन है कि हमारे पास यह 10 ओम और 50 ओम यह एक्सटर्नल प्रतिरोध है और इसे जोड़ा गया है किसी बैटरी से, बैटरी के समूह से जोड़ा गया है। लीजिए, हमने एक बैटरी का समूह बना दिया। लीजिए, इसे हमने एक बैटरी के समूह से जोड़ दिया है। ये अलग है और ये अलग है, बैटरी यहां से लेके यहां का जो हिस्सा है वो बैटरी का हिस्सा है। ये जो है 5 वोल्ट का है, ये 1 ओम का है, ये भी 5 वोल्ट का है, ये 1 ओम का है, ये भी 5 वोल्ट का है और ये 1 ओम का है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए ना इसमें करंट का मान कितना बह रहा है, इस पूरे सर्किट में करंट का मान कितना बह रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको डील करना है, इसको हटा करके इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट आंतरिक प्रतिरोध करना है। जब ये डील हो जाएगा तो आपको इसको इसको डील करना है और एक यहां पर जो प्रतिरोध आएगा उसको डील करना है, अंडरस्टैंड। और उसके बाद आई बराबर आप इसका लगाइएगा, आई बराबर ई इक्यू अब बटा आर इक्यू। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो 100% न्यूमेरिकल बनेगा। ई इक्यू कैसे निकालना है और आर इक्यू कैसे निकालना है ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है यह न्यूमेरिकल नहीं है, यह थ्योरी का ही एक पार्ट है जो ये साबित कर देगा कि आपको थ्योरी कितना समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड है। अगर नहीं बनता है तो समझिए कि थ्योरी आपको समझ में नहीं आया है, इसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीरीज को देखा, अब सीरीज के अंदर कुछ स्पेशल केस होते हैं उसे देख लेते हैं। स्पेशल केस, आइए स्टूडेंट्स, स्पेशल केस महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें आपको याद रखना चाहिए और न्यूमेरिकल में या ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अंडरस्टैंड है। जरा देखिए तो ये स्पेशल केस क्या कहता है स्टूडेंट, जरा समझिएगा। आपसे कह दें आपसे कह दे स्टूडेंट्स कि हमारे पास बैटरी का एक समूह है और जिसके अंदर बैटरी की जो संख्या है वो n है, 1, 2, 1, 2, 3 सो ऑन n बैटरी है। प्रत्येक का वोल्टेज बराबर है, EVE, 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 EVE। प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध बराबर है, AR, AR, AR और AVR। कह सकता हूं कि हमारे पास n आइडेंटिकल सेल है। आइडेंटिकल का मतलब है कि उसका ईएमएफ भी बराबर है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है। इसका मतलब है n आइडेंटिकल सेल सेल्स, क्योंकि आइडेंटिकल का मतलब होता है ईएमएफ भी बराबर और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर। इसका मतलब है EEQ बराबर E+E+E+ n बार। तो क्या इसको हम n इंटू ई कर सकता हूं, और इसी प्रकार REQ बराबर R+R+R+n बार। तो क्या इसको हम n इंटू आर कर सकता हूं। तो ये जो रिजल्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ये तभी अप्लाई कीजिएगा जब आपके पास आइडेंटिकल सेल है। जैसे एग्जांपल, आपसे कोई कह दे, एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर आपसे कह दे
कि मेरे पास 10 सेल है, 10 आइडेंटिकल सेल्स है, 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं। लीजिए, एक, दो, सोन सोन, 10। इसका ईएमएफ ई है, प्रतिरोध आर है, ई है, आर है, ई है, आर आर है, और सेल की संख्या कितना है? 10। तो आप क्या करेंगे, ई इक्यू बराबर 10 इंटू ई और आर इक्यू बराबर 10 इंटू आर। इसी प्रकार 20-50 हजार जो भी क्वेश्चन, ये सब थ्योरी का पावर कहते हैं। जितना ज्यादा थ्योरी आपके मजबूत होगा ना, उतना बेहतर न्यूमेरिकल आपसे होगा। तो यहाँ पर जितना भी सेल कह दे उतना से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ई इक्यू बराबर 10 ई और आर इक्यू बराबर 10 आर, क्या 20 भी कह सकता है? अब ऐसे थोड़े है कि हमने आपको 10 पढ़ा दिया, अगर अगला क्वेश्चन में 20 लिखा हुआ तो बन नहीं रहा है, इससे बड़ा मूर्खता वाली क्या बात होगा। ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल हमने दिया, 5, 10, 50 कुछ भी संख्या हो सकता है, तो आप उसे इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब नोट्स नंबर नेक्स्ट कहता है, जरा समझिएगा, यह स्पेशल केस हुआ। अगर हम नेक्स्ट नोट्स की बात करें, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से देखिएगा, स्पष्ट दिख रहा है कि इसका ईएमएफ E1 है, प्रतिरोध R1 है, इसका ईएमएफ E2 है और प्रतिरोध R2 है। देखिए तो ये पूरा सेल है, ये सेल्स का समूह है, सेल बॉक्स है, यानी इसके अंदर दो सेल पड़ा हुआ है और दोनों सेल से सीरीज में जुड़ा हुआ है। और अभी आपसे पूछा जाए EEQ बताओ, तो E1 प्लस E2 जरूर कर देंगे, और आपसे कहा जाए REQ बताओ तो R1 प्लस R2 जरूर कर देंगे, क्योंकि यह और यह सीरीज में है और यह भी सीरीज में है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कह दिया जाए कि बैटरी की जो पोलरिटी है या बैटरी का जो कनेक्शन है वो उल्टा है, जिसका आप समझिए इस तरह लिखे, तो ये बैटरी का प्लस है और बैटरी का माइनस, तो यहां पर तो प्लस होना चाहिए लेकिन हमने उलट दिया, हमने पोलारिटी चेंज कर दिया, हमने पोलारिटी चेंज कर दिया। सीरीज की शर्त है माइनस को प्लस के साथ होना चाहिए, लेकिन हमने इसकी पोलारिटी चेंज कर दिया, एंड चेंज इन पोलारिटी, चेंज इन पोलारिटी, अगर हमने पोलारिटी में चेंज कर दिया मतलब कि माइनस माइनस एक साथ हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो EEQ होगा वो होगा मॉड E1 माइनस E2। मॉड, मॉड का साइन हमने इसलिए लगा दिया कि अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लेता हूं कि अगर यह 5 वोल्ट का होता और यह 10 वोल्ट का होता, तो जो रिजल्ट आता EEQ बराबर 5 माइनस 10, तो ये मॉड लगने के वजह से जो आंसर आता वो 5 वोल्ट आता, यानी आपको जो रिजल्ट निकालना है वो पॉजिटिव के अंदर निकालना है, इसी वजह से मॉड लगाता है, क्योंकि मॉड एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करना है, आपको यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करना है। तो इस प्रकार आपका ये काम हो गया, अंडरस्टैंड है। हमने पोलैरिटी चेंज कर दिया और पोलैरिटी चेंज करके हमने क्या लगाया? मॉड लगाया। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और बात करें, यार देखिए तो स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बातें करें, यार देखिएगा अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अगर हमारे पास सेल्स हैं, जरा देखिएगा, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, ये आपका E3 है, तो स्टूडेंट्स पर कमाल है, इस दोनों सेल को देखिए, ये सीरीज में है, लेकिन इसे जरा देखें, ये पोलैरिटी चेंज हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो EEQ होगा वो EEQ होगा E1 प्लस E2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो
तो हम E1 प्लस E2 करेंगे, और यह क्या है, इसकी जो पोलरिटी चेंज है उल्टा है, तो हम स्पष्ट E3 कर देंगे और हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है, इसे रट्टा नहीं मारना है, कि अगर सारे बैटरी एक साथ जुड़ा हुआ है और सबकी पोलरिटी सेम है और एक का विपरीत है, तो विपरीत पोलरिटी वाले को हमेशा डिवाइड कर देना है, सॉरी हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देना है, घट जाएगा, यानी ए दोनों पॉजिटिव बनेगा और एक क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, क्योंकि इसकी जो पोलरिटीज है ये चेंज कर, क्योंकि ए दोनों को अपोज एक करेगा, अगर ए आधे में एक साथ पुश करेगा तो ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, अगेंस्ट होगा, तो अगेंस्ट वाले को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो E1 प्लस E2 माइनस क्या हो गया, E3। तो इतना ही तरह का ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। न्यूमेरिकल कैसे डील करना है ये आगे चल के देखेंगे, कि न्यूमेरिकल हमको डील कैसे करना है और हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल आपको डील करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल की संख्या अथाह है, अरबों लाखों न्यूमेरिकल्स हैं, लाखों नंबर्स किया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ अगर हमारा थ्योरी मजबूत है तो लाखों न्यूमेरिकल को आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। चलो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस का। तो स्टूडेंट्स अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बातें करें, पैरेलल कॉम्बिनेशंस पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, तो हमारे पास एक सेल है, इसका ईएमएफ E1 है और रेजिस्टेंस R1 है, क्योंकि हर सेल का प्रतिरोध होता है, और हमारे पास एक दूसरा सेल्स है, इसका ईएमएफ E2 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। ये रेजिस्टेंस बाहर नहीं है, ये रेजिस्टेंस सेल के अंदर का है, है ना, लेकिन अंदर ना दिखा करके हमने से क्या किया है, बाहर दिखाया है। अब कहा जाए पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि सेम प्लस को प्लस के साथ जोड़ दें और माइनस को माइनस के साथ अटैच कर दें, यानी इन दोनों को एक साथ रखें और इन दोनों को एक साथ अटैच कर दें। तो इसका मतलब है, जरा देखिए, तो हमारे पास एक सेल है, ये E1 है और ये R1 है, हमारे पास दूसरा सेल है, ये E2 है और ये R2 है। तो जरा देखें, तो ये प्लस प्लस को एक साथ अटैच कर दिया और ये माइनस और माइनस को हमने एक साथ अटैच कर दिया। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशंस है वो पैरेलल कहलाएगा। पहचान इजली है, पहचान इजली है, प्लस को प्लस के साथ कंबाइन करना है, सेम पोलरिटी को, सेम पोलारिटी को एक साथ अटैच करना है और सेम पोलारिटी को एक साथ अटैच करना है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशंस है, दैट्स अ इक्विवेलेंट, इस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो अगेन हमारे पास सवाल वही उठता है कि अगर सेल पैरेलल के अंदर है और हमें इक्विवेलेंट ज्ञात करना है, मतलब सेल को हटा देना है और उसके जगह पर हमें एक सेल लगा देना है, तो क्या करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला लिखता हूं, फिर से हम प्रूफ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, तो अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन है, जरा देखिए, तो ये ईएमएफ E1 है और ये प्रतिरोध R1 है, ये हमारा ईएमएफ E2 है और रेजिस्टेंस ये R2 है, E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, ये एक पूरे सेल का, इतना से लेके यहां तक बैटरी है। अब इसे हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, लीजिए एक्सटर्नल, अंदर हम सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ये जो हिस्सा है एक्सटर्नल है और यह जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो सेल का हिस्सा है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम इन दोनों को हटाना चाहें और हटा के केवल एक सेल लगाना चाहें, वो इस प्रकार लगाना चाहें, और इन दोनों को हटाना चाहें और इन दोनों को हटा करके केवल एक प्रतिरोध लगाएं और यह हमारा बाह्य प्रतिरोध है, तो ऐसे सिचुएशन में
यह हमारा ई इक्यू कहलाएगा, ये हमारा आर इक्यू कहलाएगा, ये हमारा आर है। तो ई इक्यू बराबर होगा ई वन इंटू आर टू और प्लस ई टू इंटू आर वन और बटा आर वन और प्लस आर टू। अगर आपको इन दोनों सेल को हटा देना है और केवल एक सेल लगाना है तो ई इक्यू बराबर ई वन आर टू, ई वन आर टू और प्लस ई टू आर वन और बटा आर वन प्लस क्या होगा आर टू होगा। अब हमें ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध पैरेलल में दिख रहा है तो आर इक्यू बराबर हो जाएगा आर वन इंटू आर टू और बटा आर वन और प्लस आर टू। इन दोनों फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके आप इसका मान निकाल के आप यहां रखेंगे और इसका मान निकाल के आप यहां रखेंगे और जो बच गया वैसे पहले की तरह आप सोल्व करेंगे, पहले की तरह सोल्व करेंगे। तो यह जो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस कहलाता है ऑफ सेल, कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, समझने में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो अब हमारे पास सवाल उठता है, दर्शक क्वेश्चन आता है कि ये जो समीकरण आए हैं कहां से आए हैं? इस समीकरण को अब हम साबित करने जा रहा हूं, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस साबित कर देता हूं इस समीकरण को। बस एक बार बोला EQ इतना इतना, ठीक है ना। अब इसे हम साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर में समीकरण आया तो कहां से आया। तो स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमारे पास सेल है ये E1 है और ये R1 है, हमारे पास दूसरा सेल है ये E2 है और ये R2 है, और हमने क्या किया यहां से हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया। क्या देखिएगा स्टूडेंट्स, बैटरी से विद्युत धारा का बहाव I होगा, अब यह इसमें प्रवेश करेगा I, अब यह I इसमें जाएगा, लेकिन जैसे यहां पहुंचेगा तो धारा का बंटवारा हो जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। मान लेता हूं इधर जो करंट गया है वो I1 गया है, तो जो बचा हुआ करंट है वो कितना बच जाएगा, I करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है और इसमें I1 चला गया, तो क्या इसके अंदर I-I1 करंट बच गया। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर किरचॉफ्स का लूप ला दोबारा लगाइए, अप्लाई किरचॉफ्स लूप ला, अप्लाई किरचॉफ्स किरचॉफ्स लूप ला। अगर किरचॉफ्स का लूप ला लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा यहां पर दो लूप बन रहा है, हम मार्क कर देता हूं लूप का। सबसे पहला जो लूप बन रहा है ध्यान रखिएगा, यहां से हम लूप की मार्किंग कर रहे हैं, ध्यान देगा लूप की मार्किंग में ये लूप बना। तो लूप कहता है चलिए वोल्टेज सही वोल्टेज अगर हो गए तो R इंटू आई अब प्लस आई वन इंटू आर वन माइनस ई वन माइनस ई वन बराबर जीरो, सभी वोल्टेज का योग शून्य होगा। तो इस लूप के अंदर जितना भी वोल्टेज है सबको ध्यान रखिए। अब दूसरा लूप देखिएगा, जो सेकेंड लूप है ये तो एक लूप का तैयार हो गया, इसमें भी वही लगाइए तो R इंटू आई और प्लस R2 I माइनस I1 और माइनस ई टू बराबर शून्य, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब क्या है, समीकरण 1 को आर टू से गुना कर दे और प्लस कर दे और समीकरण 2 को आर वन से मल्टीप्लाई कर दे, यानी इसको आर टू से गुना कर दे और इसको आर वन से गुना कर दे और जोड़ दे। चलो हम इसको आर टू से गुना कर देता हूं, तो आर आर टू आई प्लस आई वन आर वन आर टू माइनस ई वन आर टू प्लस इसको गुना कर दीजिए आर वन से, तो आर आई आर वन प्लस आई आर वन आर टू माइनस
आई वन आर वन आर टू और माइनस माइनस ई टू आर वन बराबर शून्य। तो स्टूडेंट्स बड़ा गौर से देखिएगा, आई वन आर वन आर टू, आई वन आर वन आर टू, यह और यह क्या कर दिया हमें, कैंसिल कर दिया। अब क्या करना, ए वाला पोर्शन को और ए वाला पोर्शन को इधर कर देना है, तो इसका मतलब है आर आर टू आई प्लस आर आई आर वन प्लस आई आर वन आर टू रहने दीजिए, और इस वाले हिस्से को इसको इधर कीजिए, तो ई वन आर टू और प्लस ई टू आर वन। स्टूडेंट्स यहां से कॉमन ले लीजिए आई, जैसे आप कॉमन लेंगे एक काम कर ले, तो ये हमारे पास आर आई कॉमन ले लीजिए, देखिए ना आप यहां से आई 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 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, तो हमारे पास आर आर टू प्लस आर आर वन प्लस आर वन आर टू बराबर ई वन आर टू और प्लस ई टू आर वन। कोई ज्यादा टफ नहीं है, जैसे इसे कर रहा हूं आप भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जरा देखिए, तो अब इसे हटा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स अब एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, तो आई आर और आर कॉमन है बाहर निकाल लीजिए, हमारे पास बच जाएगा आर वन प्लस आर टू बच जाएगा, और यहां पर प्लस आर वन आर टू बच जाएगा, और यहां पर बच जाएगा ई वन आर टू ई टू आर वन। स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, यहां से हाँ आई का मान निकाल लीजिए, जैसे आप आई का मान निकालेंगे, जैसे आप आई का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E1 R2 और प्लस E2 R1 और बटा R R1 प्लस R2 यहां पर R1 इंटू आर टू। एक काम कर ले, इससे भागा दे दे, जैसे इसे ऊपर नीचे भागा देंगे तो E1 R2 और प्लस E2 R1 और बटा R1 प्लस R2 और बटा R R1 प्लस R2 बटा R1 प्लस R2 प्लस आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर टू। इसे कैंसिल कर लीजिए, तो आई बराबर आ गया ई टू आर वन प्लस ई वन आर टू और बटा आर प्लस आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर टू। यहाँ पर जो बटा किया हुआ है ए आर वन प्लस क्या है आर टू, तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो ई ई क्यू बाहर के अंदर चला जाएगा E2 R1 प्लस E1 R2 और बटा R1 प्लस R2, और यह जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा है R इक्विवेलेंट में चला जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो यह आपका रिजल्ट है। दैट्स वेरी वेरी, आज हमने कुछ ज्यादा पढ़ाया है, क्योंकि थ्योरी जल्दी खत्म करके हमें नया टॉपिक शुरू करना है, नया चैप्टर शुरू करना है, और हमें नोमरिकल भी पूरे करना है, और आप नोमरिकल करने के लिए तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और इसे थ्योरी को कहीं भी पूछेंगे, कहीं भी आप पूछेंगे, पढ़ाने का जो तरीका होता है सबसे पहले थ्योरी पर कमांड, और उसके बाद ही नोमरिकल खुद से बनेगा। अगर खुद से बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो तुम्हें हमारे ही रास्ते पर चलना होगा। दो चार नोमरिकल का सोल्यूशन लेके खुश नहीं होइए, तो दो चार नोमरिकल का सोल्यूशन करके खुश होइए, अंडरस्टैंड। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे इसी को हम आगे पढ़ाएंगे, और हमारा होगा मैक्सिमम पावर थ्योरम होगा स्टूडेंट, ठीक है। बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और मन से पढ़ाई करते रहिए। चलो बाय।